दाउदपुर मोहल्ले में लगातार होने वाले जलजमाव के समाधान के लिए रविवार को नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश सिंह के निर्देशानुसार सफाई निरीक्षकों की टीम दाउदपुर अंडरग्राउंड और शिविर और नालों की साफ सफाई में जुट गई। नगर आयुक्त ने कहा, दाउदपुर में सड़क के नीचे से जाने वाला नाला बहुत पुराना है और इसे साफ करना बहुत मुश्किल हो गया है, इसलिए नगर निगम कल से दाउदपुर चौराहे से लेकर काली मंदिर की तरफ जाने वाले मुख्य नाले तक सड़क के बाएं किनारे एक नया और गहरा नाला बनवाएगा, जिससे कि यहां की जल निकासी का स्थायी समाधान हो सके। नगर निगम के मुख्य अभियंता सुरेश चंद्र, नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मुकेश रस्तोगी, जलकर महाप्रबंधक प्रमोद गुप्ता मौजूद रहे और सफाई इंस्पेक्टर की निगरानी में नालों की साफ सफाई का कार्य जारी रहा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश सिंह ने कहा, दाउदपुर और मोहनापुर इलाके में जो समस्या बनी हुई है, उसके लिए आगे जो सीवर है पूरा पन्नी और बोरे वगैरह भर जाने से जाम हो गया है, उसको सीसी रोड की कटिंग करा करके पूरा ये सारा पन्नी और चोक मलवा निकाला जा रहा है। साथ ही साथ पानी न भरने पाए इसके लिए यहाँ पे बड़े बड़े 3 पंप लगा दिए गए हैं, इससे भी पानी निकलवाया जा रहा है। उम्मीद है कि एक हफ्ते के अंदर हम इस सीसी सड़क के नीचे जो हमारा नाला दबा हुआ है उसकी पूरी तरह जो है सफाई कर देंगे, तो तदुपरांत जो है पानी वगैरह नहीं लगेगा। थोड़ा सभी नागरिकों से भी हमारा अपील है कि वो थोड़ा संयम बरतें, लगातार पानी भी निकाला जा रहा है और नाले की पूरी तली झाड़ सफाई की जा रही है, तो इससे जो है दाउदपुर इलाके को, मोहनापुर इलाके को, दोनों को ही लाभ मिलेगा।